तो कैसे हो भाई लोग, आज हम सीखने वाले हैं ये आयरन मैन वाला वीडियो आप कैसे बना सकते हो। तो यार वीडियो में बने रहो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है और ये एडिटिंग थोड़ी सी हार्ड नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो देखते रहो यार। सबसे पहले मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे ये वाला वीडियो ऐड कर रहा हूँ, 9.16 वाले फ्रेम में ऐड करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो मैं ऐड कर लिया, तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। और यहाँ पे लास्ट में आपको वीडियो से हट जाना और कुछ ऐसा अपने पैर का फोटो भी खींच लेना और ये वाला बैकग्राउंड भी ले लेना। और इस बैकग्राउंड का मैं एक कैप्चर एंड स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ और ये हो गया। मतलब कुछ इतना आपको कर लेना है भाई, ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया हूँ, तो ध्यान से देखना भाई। अभी हम इसका डुप्लीकेट लेयर निकाल के मेन वाला वीडियो डिलीट करते हैं। मेन वाला वीडियो डिलीट करने के बाद बैकग्राउंड पे वाइट कलर का मैं फोटो लगा लेता हूँ, किसी भी कलर का लगा सकते हो। और अगर आपके काइन मास्टर में वाटर मार्क आ रहा है या फिर आपका काइन मास्टर नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाले पॉइंट से मैं लेयर पे क्लिक करके एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ जो कि ग्रीन स्क्रीन है। ये आप देख रहे हो, ये ग्रीन स्क्रीन है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन स्क्रीन है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ही मिलेगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, वहाँ पे एक वीडियो चलने लगेगा कि आपको बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करना है, वो देखना और बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इतना। अब हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ क्योंकि हमको अभी इतना ही रखना है फर्स्ट वाले पार्ट में। इस वीडियो को हमको 3-4 पार्ट में एडिट करना पड़ेगा, एक पार्ट में काम नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं इतना कट करके इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम देखते हैं वीडियो हमारा कितना है प्ले करके। सबसे पहले मैं इसका ग्रीन कलर रिमूव करूंगा क्रोमा की पे जाके। तो इसका ग्रीन कलर हम हटा देते हैं ताकि इसका ग्रीन कलर रिमूव हो जाए। ग्रीन कलर रिमूव होने के बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा मेन वाला वीडियो, इसको मैं जूम कर लूंगा। ये वाला मेरा वाला वीडियो, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन के बराबर सबसे पहले जूम कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रीन के बराबर जूम करने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से एक ग्रीन कलर का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, एक ग्रीन सूट वाला, ये आयरन मैन वाला, वो पॉइंट पे जाके हमको चाबी पे क्लिक करके एक प्लस का एनिमेशन लगाना है और इस वीडियो को सिंपली जूम कर लेना है यहाँ तक। मतलब हमने इसको जूम कर लिया अपने हिसाब से, तो आप भी जूम कर लेना, आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हो। यहाँ तक जूम करने के बाद सिंपली मेरे को क्या करना है, इस वीडियो को प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ तक इतना जूम हो गया है, लेकिन अब ये जो आयरन मैन वाला वीडियो है ये ऊपर से बनना स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको हल्का सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये नीचे से बनना स्टार्ट हो। तो यहाँ से ये बनना स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं इसको यहीं से कर देता हूँ। अब यहाँ पे आगे जाके मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मतलब ये वीडियो फुल स्क्रीन में कर दूँगा क्योंकि इसको फुल स्क्रीन में करना ही पड़ेगा, ये वीडियो इतना है ही। तो मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, ये रहा। इतना फुल स्क्रीन में करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा वाला वीडियो है ना, सबसे पहले जहाँ से मैंने इसमें की एनिमेशन लगाना स्टार्ट करा, ये पहले वाले पॉइंट पर जाएंगे और यहाँ से मैं की एनिमेशन पर प्लस करूँगा। अब इसके दूसरे वाले पॉइंट पर जहाँ पर मैं सूट में की एनिमेशन लगाया, वहीं पे सेम मेरे को अपने बॉडी पे भी एनिमेशन लगा के इस सूट के हिसाब से जूम करके परफेक्ट मैच करा देना है, कुछ इस तरह से जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको मैच करा दिया और ये मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई आपको, क्योंकि परफेक्ट मैचिंग करानी है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत। अभी मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, स्टार्टिंग में मैंने मतलब स्टार्टिंग का तो मैं भूल ही गया, ये वीडियो नीचे के साइड जा रहा है, तो मैं इसको पहले से ही नीचे कर देता हूँ हल्का सा। चलो नीचे कर दिया, अभी सही है। तो अब यहाँ पे सही हो गया, आप देख सकते हो ये रहा। ये मतलब कुछ इस तरह से आपका वीडियो बनेगा जैसा आप मतलब देख रहे हो। ये इतना तो हमारा एनिमेशन हो चुका है। अब इसके आगे का करना है, जहाँ से मैंने एनिमेशन छोड़ दिया है ये पार्ट इतना कंप्लीट होगा। अब इसके आगे का, जहाँ से की एनिमेशन लगाया लास्ट वाला, ये पॉइंट पे आके यहाँ से मेरे को क्या करना है, सिर्फ अपने वाले वीडियो पे की एनिमेशन लगाना है, ग्रीन स्क्रीन वाले को वैसे ही छोड़ देना है। अब उस पर ग्रीन हमको नहीं लगाने का है, तो हमको अपने वाले वीडियो पे लगाने का है। तो हम बस पोजीशन देखेंगे और अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पर जाएंगे। लास्ट पॉइंट पर जाने के बाद क्या करेंगे, अपने वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे, की एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको ऊपर के साइड ऐसा उठा दूंगा और हल्का सा जूम कर लूँगा, जितना परफेक्ट लगे भाई उतना जूम कर लेना, जहाँ तक आपको ये आयरन मैन सूट वाला लगाना है। तो मेरे को लग रहा है मेरे को और थोड़ा सा कट कर लेना चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया सूट, हमको इतना मतलब ये बेल्ट तक ही लगाना है अभी, उसके बाद अगले पार्ट में कर लेंगे भाई। इतना कर देता हूँ बस, यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वाले को भी ट्रिम यहाँ पर स्प्लिट करके मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी पहले पार्ट में हम इतना ही करने वाले हैं। तो इतना हमारा हो गया। अब लास्ट वाले पॉइंट पे आके मैं इसको हल्का सा ऊपर उठा दूंगा बस, की एनिमेशन लगाकर थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा बस, और ये यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। मतलब इतना बस इतना करके आपको छोड़ देना है,
छोड़ने के बाद हम चलो वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं कि वीडियो हमारा कैसा प्ले हो रहा है इतना बनाने के बाद। तो कुछ इस तरह से हमारा वीडियो प्ले हो रहा है इतना, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब मेरे को करना क्या है, सिंपली ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं क्या करूँगा इस पार्ट को यहीं पे छोड़ दूंगा, मतलब इतना ये कंप्लीट हो गया। मेरे को दूसरा पार्ट बनाने का है, तो फोटो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करके फ़ोटो वही वाला ऐड करूँगा जो मैंने अपने पैर का फोटो खींचा था, वही फ़ोटो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ये रहा, और इस फोटो को मैंने थोड़ा सा पिक्सआर्ट में एडिट करा है, मतलब ऊपर का पार्ट कट कर दिया। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। अभी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हमको इसका भी रिमूव करना पड़ेगा। क्रोमा की पे जाता हूँ और इसका ग्रीन स्क्रीन मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वाले पार्ट का भी। इसका भी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया। अब इसको मेरे को क्या करना है, फुल स्क्रीन में सेट करना है। अभी ये जो वीडियो है ना, इसको पहले से ही फुल स्क्रीन में सेट कर देना है जूम करके, ये जो ग्रीन स्क्रीन वाला शूट वाला वीडियो, इसी को। तो यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन में करूँगा। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो फ़ोटो है ये पैर वाला, इसको जो मैंने कट करा है ना, सबसे पहले यहाँ बीच में मैं एक फ़ोटो ऐड करता हूँ यार, क्योंकि ये बार बार पहला वीडियो दिखा रहा है, तो बीच में फ़ोटो रहेगा तो नहीं दिखाएगा। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे इतना, मतलब ये ग्रीन स्क्रीन, मतलब ये जो है आयरन मैन वाला सूट, इसको जूम करने के बाद ये जो मेरा फ़ोटो है इसका लेयर मैं निकाल लेता हूँ, मतलब एक डुप्लीकेट लेयर, बस इसको और सेंड टू बैक कर दूंगा डुप्लीकेट वाले लेयर को। इतना सेंड टू बैक हो गया ना। अभी हम स्टार्टिंग पे जाएंगे और देखते हैं क्या, मतलब मैच हो रहा है कि नहीं, फ़ोटो नहीं मैच हो रहा है, और जूम करते हैं। मतलब जो आपको पैर इतना जूम करना है कि ताकि ये सूट के साथ मैच हो सके, जितना मोटा और आप उतना जूम कर लेना अपने हिसाब से। भाई मैच हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया वीडियो बनेगा, अगर मैच नहीं होएगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको, भाई सही बता रहा हूँ। तो मैच करा लेना सही से एकदम। मैच हो गया मतलब स्टार्टिंग में आके हमको की एनिमेशन लगा के फ़ोटो को बस उठाते जाना है। यहाँ आप देख सकते हो ये, मतलब हमारा फ़ोटो उठते हुए चले जाएगा, बस वीडियो हमारा इतना कंप्लीट बन जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है यार, इसमें की एनिमेशन का बहुत ज़्यादा ही मामला है। आपको बस की एनिमेशन अगर कर लिया ना भाई, तो वीडियो आपका एकदम मेरी तरह सेम टू सेम बन जाएगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नहीं बन पाएगा सही से। तो हमारा वीडियो इतना तो बन चुका है कंप्लीट, जितना आप देख सकते हो, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को प्ले करता हूँ। यहाँ पे बीच वाला मैं जो ना वाइट कलर का बैकग्राउंड ऐड करा था, ताकि दोनों वीडियो थोड़ा सा अलग हो जाए एडिटिंग करने में। अभी मैं उसको डिलीट कर दूंगा ताकि दोनों एक हो जाए, और ये हो गया जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अभी मतलब प्ले होते हुए मेरे को थोड़ा सा लैग दिख रहा है ना, लेकिन है नहीं ऐसा भाई, सेव करने के बाद ये सही से दिखेगा। काइन मास्टर है, थोड़ा सा हैंग करता है। ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा देता हूँ ना मोबाइल में, तो और ही ज़्यादा। अभी प्ले करूँगा तो आपको नहीं दिखाई देगा, एकदम सही दिखाई देगा। ये देखो प्ले हो रहा है ना, सेव करने के बाद बस ये इतना हमारा कंप्लीट बन चुका है ना। अब हमको इसके आगे का दो पार्ट और बनाना है, तो उसको भी चलो हम फटाक से एडिट कर लेते हैं। मतलब यही उसमें भी एक और पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको मैं एडिट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ, थोड़ा सा 2 सेकेंड का पार्ट ही हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं 2 सेकेंड का वीडियो यहाँ पर कट कर लूँगा, और यहाँ पर एक और ग्रीन स्क्रीन, आपको दो ग्रीन स्क्रीन मिलेंगे, मतलब दो वीडियो आपको मिलेगा। जब आप लिंक पर जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको एक ही लिंक पर ये दोनों वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना जाके भाई। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो फेस वाला है ये इतना मैं कट करूँगा बस, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड का रहेगा बस, ज़्यादा नहीं है, 1 ही सेकेंड का है। तो यहाँ पर मैं इसको कट करके फुल स्क्रीन पर जूम कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको जूम करने के बाद ये वीडियो का ग्रीन कलर रिमूव कर देता हूँ। ये वीडियो का भी ग्रीन कलर हमारा रिमूव हो गया, थोड़ा सा मैंने सेटिंग कर देना ग्रीन कलर में, ताकि अच्छे से ग्रीन कलर रिमूव हो जाए। और अपने वीडियो को मैं जूम कर रहा हूँ हेड को, ताकि इस पर परफेक्टली मैच हो जाए। और ये हो गया मतलब हमारा इतना, मतलब परफेक्ट मैच है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब इस वीडियो को मैं सेव कर लूँगा, ये वाला वीडियो भी हमने कर लिया सेव। अब मेरे को एक और पार्ट बनाने का है, बस ये लास्ट वाला पार्ट है, ये जो बच रहा है ना लास्ट में, इसको भी डिलीट करके दूसरा पार्ट ऐड करूँगा, जो कि एक मैंने बैकग्राउंड रिमूव करा है। ये वाला सबसे पहले बैकग्राउंड का कैप्चर फ़ोटो ऐड करेंगे, जो आपने बैकग्राउंड खाली करा था उसका कैप्चर फ़ोटो लिया था वो ऐड कर देंगे, स्टार्टिंग में हमने लिया था। और यहाँ पे ये वाला जो ब्लू बैकग्राउंड मैंने रिमूव करा है, ये कैसे रिमूव करना है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख लेना, आपको पता चल जाए कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, कट कर लूँगा अपने हेड को, और ये बैकग्राउंड विदाउट ग्रीन स्क्रीन पर्दा लगा के मैंने रिमूव किया है। कैसे रिमूव करना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके सीख लो।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रोमा की से ब्लू कलर हाइड कर दूँगा और ये सिर्फ मेरा फेस बचेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रीन वो जो हमने ऐड करा है आयरन मैन का ग्रीन स्क्रीन का वीडियो मैं ऐड करूँगा, बैकग्राउंड वाला ऐड कर लेता हूँ जो थोड़ा सा फुल बॉडी में है आयरन मैन वाला वीडियो, ये वाला वीडियो। तो ये वाले वीडियो को मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग में हाफ बॉडी है, तो जहाँ तक हाफ बॉडी है वहाँ तक मैं कट कर देता हूँ, यहाँ तक है हाफ बॉडी। तो यहीं से मैं इस वीडियो को कटिंग कर दूंगा, ये कटिंग हो गया। अब इसको मैं स्टार्टिंग में लेके जाऊंगा, स्टार्टिंग में लेके जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको जूम कर दूंगा फुल स्क्रीन। ये रहा, जूम हो गया फुल स्क्रीन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। जूम होने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, क्रोमा की से इसका ग्रीन कलर हाइड कर दूंगा और ग्रीन कलर रिमूव करने के बाद ये हम अपने फेस को ये फेस पे लाकर एकदम बढ़िया से एडजस्ट करके सेट कर देंगे। बस इतना सेट कर देना, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, लेकिन प्रॉपर सेट करना। सेट करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पे बन जाएगा, मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा बन गया ना हमारा वीडियो। अब हम इसको भी सेव कर लेंगे, एक सेकंड का ज़्यादा नहीं, बस एक ही सेकंड का सेव करेंगे। और सेव करने के बाद इतना हमारा चारों पार्ट बन चुका है, अब हम चारों पार्ट को एक दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे और उसी में चारों पार्ट को ऐड कर देंगे, जो तीन पार्ट है, सॉरी चार नहीं है, तीन पार्ट है। तो हमने तीन पार्ट में बनाया है वीडियो को, ये रहा पहला पार्ट और पहला पार्ट अभी यही है, तो दोनों हमने एक में बनाया था, तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन पार्ट बना दिया। अब लास्ट में मैं एक और वीडियो ऐड कर रहा हूँ जो कि एक फ़िल्टर वाला वीडियो है, तो इसको आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा। ये फ़िल्टर मैंने यूज करा था स्नैपचैट से, और वो कौन सा फ़िल्टर मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को बस देखते रहो। तो ये फ़िल्टर मैं ऐड कर देता हूँ, ये मतलब इतना ऐड करने के बाद ये वीडियो हमारा कम्प्लीट बन चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इतना वीडियो तो हमारा बन चुका। अब बात आती है कि जो मैंने यूज करा था फ़ोटो अपने पैर वाला, वो फ़ोटो मैंने कैसे लगाया था, तो उसकी बात आ रही है, तो चलो वो भी बता देता हूँ। ये वीडियो इतना तो कंप्लीट बन चुका है ना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना यार भाई, लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ। ऊपर से मेरे चैनल का रीच भी डाउन है, आजकल मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है और मेरा पेमेंट भी नहीं आ पाएगा शायद से इस महीने का, क्योंकि वीडियो एक भी नहीं वायरल है। तो लाइक कर दो यार भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्सार्ट में ओपन करके पैर वाला जो फोटो मैंने बनाया था वो कैसे बनाया था। सबसे पहले मैं वही बैकग्राउंड ऐड करूँगा जहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा था, मैं वो फ़ोटो ऐड करूँगा, जो फ़ोटो मैंने अपने पैर का फ़ोटो निकाला था वो फ़ोटो मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इसको यहाँ पे मैं पतला कर दूंगा, अपने फ़ोटो को पतला करके, ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए और ये पैर लंबा हो जाएगा। अगर आपका पैर लंबा नहीं रहेगा तो वो बन नहीं पाएगा भाई, मेरा पता नहीं, मेरे हाइट से ये दिक्कत है कि मेरा बन नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, मेरा हाइट ही कम है भाई, क्या करूँ। इसके बदले मैंने पैर को लंबा करके लगाया, वो वीडियो में बन नहीं पा रहा था। तो आप भी कर लेना, अगर आपकी हाइट कम है तो, अगर भाई आप लंबे हो तो मत करना, ये आपका वीडियो वैसे ही बन जाएगा फ़ोटो सही। तो यहाँ पर मैं ऊपर से इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को थोड़ा सा इरेज कर दिया मैंने, ऐसा करके आप देख रहे हो ना, ऐसा करके इरेज कर दिया, ताकि हमको ऊपर का पार्ट चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ पैर का ही पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं इतना करके इस फोटो को सेव कर दिया था और वहाँ पे यूज कर लिया था। अब यहाँ पे जो फ़िल्टर है ना, वो हमने स्नैपचैट से लगाया था, स्नैपचैट में जाना है और यहाँ पे फ़िल्टर पे सर्च करना है आयरन मैन लिख के, आयरन मैन लिख के जब आप सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे जार्विस का एक और मतलब फ़िल्टर मिलेगा, आप देख सकते हो आयरन मैन जार्विस लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करना और ये वाला फ़िल्टर यूज करके वीडियो बनाकर वहाँ पर जाके सिंपली ऐड कर देना, बस इतना करके आपका वीडियो बन जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना यार भाई लोग, कर दो यार।